दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमसे सवाल करते रहते हैं कि जब हमारे पास सब्लिमेशन है तो हम स्क्रीन में क्यों जाएं, या फिर ऐसे भी सवाल आते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और हम इसे कर नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हमसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछते हैं, या इसमें डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें क्या डिफरेंस क्या है कि हमें स्क्रीन प्रिंट करें या विनाइल करें या फिर सब्लिमेशन करें। जो नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं वो ऐसा बहुत सारे सवाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ पहले समझनी होगी कि आप करना क्या चाहते हैं, पहले वो आपको समझना है। प्रिंटिंग जो टेक्निक्स है वो बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ की मार्केट में आ गई है, बट आपको करना क्या चाहते हैं, जैसे मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, समझाता हूँ। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स ज़्यादा चलता है, स्पोर्ट्स ध्यान में रखिए, जहाँ पे हॉकी, क्रिकेट या ऐसे कुछ नेशनल एकेडमीज़ हैं कि वहाँ पे स्पोर्ट्स ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा करके जो भी टी शर्ट्स होंगे वो होंगे पॉली कॉटन होंगे, ड्राई फिट्स होंगे, निर्मल नेट, राइस नेट, ऐसे फैब्रिक्स होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो सब्लिमेशन का जो कंसेप्ट है वहाँ पे ये कारगर होता है। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी रहते हैं पहले वहाँ पे देखिए, ये नहीं जैसे जैसे आप अंटार्कटिका में जाके बर्फ़ बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यानी बर्फ़ आपकी कहाँ बिकेगी, ये आप ऐसे हॉट एंड प्लेस जहाँ पे ह्यूमिडिटी है वहाँ पे आप जाएंगे बेचने के लिए, तो वहाँ पे आपका ये ठंडा पानी या बर्फ़ होगा वो बिकेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस में जा रहे हैं, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे कस्टमर की डिमांड्स क्या हैं, पहले आपको वो पता करना पड़ेगा। वो आप पता करिए, मैं कौन से एरिया में हूँ, मैं स्पोर्ट्स वाला, ठीक है यहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्स चलते हैं, इवेंट्स चलते हैं, तो ठीक है मैं यहाँ पे शॉप्स डाल दिया या मैंने प्रिंटिंग के सेटअप्स डाल दिए, तो यहाँ पे कस्टमर कैसे, वॉकिंग कस्टमर मेरे पास मिलेंगे, ये आपको देखना है। या मेरे पास अगर समझिए यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स का ज़्यादा नहीं है कल्चर, तो मुझे फिर कौन सा प्रिंटिंग मुझे अपनाना पड़ेगा। ठीक है मेरे पास, चलो प्रिंटिंग भी मैंने अपना ली, बट मेरे को वो प्रिंटिंग का जो टोटल कॉस्ट आएगा, जो पर टी शर्ट का कॉस्ट आएगा, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्या? मैं अफोर्ड तो कर सकता हूँ, बट मेरे कस्टमर अफोर्ड कर सकते हैं क्या? जैसे पर प्रिंटिंग कॉस्ट ही जैसे पकड़ लो कि 60-70 रुपीज़ आ जाता है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं कोई प्रिंटिंग का नाम नहीं लूँगा, एग्जांपल बता रहा हूँ। तो समझो एक मार्जिन पकड़ लेते हैं हम कि 100 रुपीज़ का टी शर्ट्स हो गया, 60-70 रुपीज़ के आपके 70 रुपीज़ की आपकी प्रिंटिंग हो गई। और आप पकड़िए, अगर आप बल्क में अगर आप सेल कर रहे हैं तो 30 रुपीज़ मार्जिन आप पकड़ लीजिए, बल्क में अगर कर रहे हैं तो वो भी बहुत कम ही होता है आज के टाइम की जो महंगाई है। तो अगर आप 30 रुपीस पकड़ रहे हैं तो 200 का टी शर्ट्स आपका ये बनता है 30 रुपीस के मार्जिन से। और उसके बाद आप पकड़िए कि पैकिंग हो गया, या अगर आप कहीं ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो कुरियर हो गया, उसमें एक चार्ज, वो एक इफेक्ट करता है, बट उसको हम साइड में कर लेते हैं। जस्ट मैं आपको थिंकिंग के लिए बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है, आपको बनाना कैसे है। तो 200 का टी शर्ट आपका घर में पड़ा, उसको आप सेल कितने का करोगे, आप सोचिए। मार्जिन आपको वैसे बनाना है कि मैं सेल करूँगा तो इंटू, अगर दिन में मैं कितना बेचूं और इंटू 30, तो वो हिसाब से आपको प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट मेरा कितना बच रहा है। उसके बाद मेरा लाइट बिल है, एक्सपेंसेस हैं, जो अलग एक्सपेंसेस हैं वो सब आपको माइनस करके आपको देखने पड़ेंगे कि ये बिज़नेस इस जगह के लिए ठीक है या नहीं। सिर्फ वो बिज़नेस वहाँ चल रहा है, मैंने देखा यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, बस वो मैं करना हूँ, ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखनी है। बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, तो ज़रा इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो आपको डिसाइड पहले करना है, अगर आप प्रिंटिंग के बिज़नेस में आ रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है फर्स्ट पॉइंट कि आपको सब्लिमेशन करना है, स्क्रीन करना है, विनाइल करना है या कुछ और करना है। जो तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको पहले समझना पड़ेगा। डिफरेंस देखिए क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सब्लिमेशन का पहले हम बात करते हैं। सब्लिमेशन के टी शर्ट्स होते हैं बेसिकली, सब्लिमेशन टी शर्ट जो प्रिंटिंग होती है वो होती है लाइट गारमेंट पे, यानी जो टी शर्ट हल्के कलर के होते हैं, अब उसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ, लाइट गारमेंट के जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर ही प्रिंटिंग होती है, डार्क के ऊपर नहीं। जैसे ब्लैक टी शर्ट पर आप करना चाहोगे नहीं होगा, क्योंकि सब्लिमेशन में इन इंडिया कम से कम वाइट कलर अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो ब्लैक टी शर्ट्स के ऊपर आप सब्लिमेशन नहीं कर पाओगे, या तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप सब्लिमेशन करना चाहते हैं तो फुल सब्लिमेशन का सेटअप आप डालिए। फुल सब्लिमेशन आप समझ रहे हैं, टॉप टू बॉटम,
टॉप टू बॉटम आपको वो सब्लिमेशन का सेटअप डालना पड़ेगा। करीब अराउंड वो आता है 7-8 लाख रुपीज़, इवन 10 लाख रुपए तक का आता है, मुझे आइडिया नहीं है, बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि इतना लगभग सेटअप हो जाता है। उसका एप्सन का प्रिंटर आता है, कंप्रेसर लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो फुल सेटअप जब आप करोगे तो कस्टमाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स में फुल टी शर्ट्स हो गए, जैसे गणेश जी के हो गए, या गोविंदा होते हैं, गोविंदा जो हमारे यहाँ पे मुंबई में होते हैं, वहाँ पे वो फुल सब्लिमेशन के टी शर्ट्स होते हैं। जैसे शिवाजी महाराज के टी शर्ट्स हो गए, आपने देखे होंगे, पूरा उनका बनाया जाती है, पूरा उनका दरबार एक पूरा टी शर्ट्स पे बनाया जाता है। यहाँ के अगर आप देखेंगे, ऑनलाइन सर्च मारेंगे तो आपको उससे समझ में आएगा। तो वो टी शर्ट्स अगर आप करते हैं, बट उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा, ठीक है। बट वही मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये सब्लिमेशन आप कर रहे हैं। उसके बाद मार्केटिंग आती है। आपने, चलो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि फुल सब्लिमेशन का सेटअप डाल दिया, बट फुल सब्लिमेशन का सेटअप यानी पकड़ो अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपया पकड़ लो, उसके पीछे आपको मार्केटिंग के लिए भी बंदे लगाने पड़ेंगे। मार्केटिंग आप नहीं करेंगे तो मालूम पड़ा कि फिर मशीन डाल के क्या बैठे, वो तो हर बिज़नेस में ही होता है। हर बिज़नेस में ही आपको मार्केटिंग करना है। बिज़नेस आपका कैसा है, छोटा है बड़ा है, आपको मार्केटिंग तो करना है, उसके बगैर कुछ होगा नहीं। और सेकंड थिंग कि आज मार्केट पूरा ओपन है, सभी को पता है कि इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा है, ये जो कंपोनेंट है, मशीन्स है, कितने की मिलती है, इसका प्राइस क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बताएंगे और कस्टमर उसे बाय कर लेंगे। और कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, गूगल पे जस्ट क्लिक करते हैं, सारी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप जैसे देख रहे हैं गूगल अभी एड्स कर रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरे अगल बगल कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा किधर मिलता है, प्रिंटिंग कहाँ पे हो रही है, और तो उसके बाद क्या है, सारे चीज़ें सबको मालूम पड़ जाती है। तो हमको रेट्स भी उस तरीके से रखने हैं, मार्केटिंग भी उस तरीके से करनी है कि कस्टमर हमारे पास आए। तो ये आप डिसाइड करिए कि आपको सब, आपकी पहले लोकेलिटी कैसी है, लोकेलिटी अगर आप लेते हैं तो हमारा बजट कितना है, वो लोकेलिटी के हिसाब से जो हम सेटअप करना चाहते हैं, छोटा सब्लिमेशन लगाना चाहते हैं या हम बड़ा सब्लिमेशन कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। सेकेंड थिंग आते हैं हम लोग, सब्लिमेशन की हमने बात की, अब आते हैं हम स्क्रीन की। कुछ और अगर बातें होंगी, दोस्तों देखिए ये जो बातें हैं मैं कंटिन्यू आपसे बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ बातें इसमें छूट जाएं। अगर कुछ आपको नोटिस आता है तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो, ये जो टॉपिक मैंने आज लिया है, ये बहुत लोग इस पर सवाल करते हैं, जो नए नए स्टार्टअप करना चाहते हैं हमारे दोस्त, वो बहुत सारे सवाल करते हैं। तो अगर आप उसमें कमेंट्स करेंगे तो उनको और भी वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन्स मिलेगी, और आगे फिर उनको ये डिसाइड करने में पूरा ये हेल्प करेगा। तो स्क्रीन की जहाँ तक बात आ गई, अब स्क्रीन का देखो, जैसे मैंने आपको सब्लिमेशन का बताया था कि सब्लिमेशन का जो लाइट कलर के जो ये होते हैं, लाइट कलर के फैब्रिक्स के ऊपर हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। और कुछ हमारे ऐसे दोस्त होंगे बोलेंगे नहीं, हम डार्क कलर पे भी कर सकते हैं। तो देखो, डार्क कलर का जो ये रहता है सब्लिमेशन का, उसमें एक पेपर आता है, जो सब्लिमेशन के जो पेपर्स आते हैं वो पर पेपर 3 रुपीज़ का आता है। बट वही चीज़ अगर आप डार्क गारमेंट पे करना चाहोगे, डार्क शीट के लिए, तो वो पेपर, एक पेपर मैं आपको होलसेल रेट ही बताता हूँ, 40 से 50 रुपये का एक पेपर A4 साइज़ का आता है। 50 रुपये का आपका पेपर हो गया, इंक पकड़ लो 5-6 रुपये की इंक हो गई, बाकी के टेप, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो भी है, यानी 50-60 रुपये आपके डार्क शीट पे करने के लिए वो हो जाएगा। अगर आपको कॉटन पे करना है, वो भी डार्क शीट पे करना है, तो 50-60 रुपये, जो मैंने आपको पहले कैलकुलेशन बताया। वही चीज़ सब्लिमेशन पे अगर आपको करनी है, तो सब्लिमेशन मतलब लाइट गारमेंट पे करना है, तो 3 रुपये का पेपर पकड़ लीजिए, 3 रुपये का पेपर और 5-6 रुपये का आपका इंक पकड़ लीजिए या जो भी है, तो ये अप्रोक्सीमेट 10 रुपये का आपका लाइट गारमेंट पे सब्लिमेशन होगा। तो दोस्तों, सब्लिमेशन की इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी, बट जो हमारा स्क्रीन प्रिंट का इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो लोग बोर हो जाएंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे, इसके लिए वो चीज़ मैं सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। तो ज़रूर आप सेकेंड पार्ट में देखिएगा, और कुछ अगर आपको सब्लिमेशन के बारे में और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर आप लिखिएगा।
तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, सेकेंड पार्ट में मिलते हैं फिर। जय हिंद।